और इस जुनून की शुरुआत करने वाले पाकिस्तान में रियलिटी शोज का ट्रेंड स्टार्ट करने वाले मिस्टर डेयर डेविल वकार ज़का के दिलों को हिला देने वाले डेयर से ही इस शो के हर सीजन का आगाज होता है। Responsible for all my actions. बड़ी बात है कि वकार ने ये सोचा भी है ऐसा कुछ करने का। वकार को इस बात का ख्याल कैसे आया? I just can't believe कि वकार ये तुमने सोचा कैसे? यूं तो मैंने बहुत से reality shows देखे, लेकिन किसी host को इतना risk लेते हुए और इस तरह के काम करते हुए मैंने नहीं देखा। वकार पता नहीं कैसे सोच लेते हो इस तरह की चीजें। अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करे, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह करे कि तुम जो तुम सोच रहे हो तुम पूरा कर सको। वकार पहले ही काफी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और हमारी दुआ ये है कि आप मजीद बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े। इट्स वेरी रिस्की एंड इट्स रियली डेंजरस। मैं एक दोस्त की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से मैं भी दुआ करता हूँ और लोग भी मेरा ख्याल है जो उस वक्त देख रहे होंगे वो सब ये दुआ करेंगे कि वकार ने जो सोचा है वो कर देंगे। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शंस। जिस दिन लिखी है उसी दिन मौत आती है, लेकिन जिस दिन नहीं लिखी उस दिन अगर मौत खुद भी चलकर आपके मुंह में आए तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऑल द बेस्ट वकार ज़का। आई न्यू इट के इतना खतरनाक काम से वकार ज़का ही कर सकता है किसी रियलिटी शो में। सो कीप इट अप वकार। ये माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वकार की हिम्मत और हौसला है, जिस तरह से वो डूब कर अपने प्रोग्राम में बल्कि अपनी जान पर खेल कर प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवाते हैं, ये बहुत ही मतलब हिम्मत और हौसले की बात है। बिल्कुल आइडिया नहीं था ये आप कर सकते हो, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट। माशाल्लाह आगे के लिए भी बहुत बहुत मुबारक। दुनिया भर में इंटरनेशनल रियलिटी शो होते हैं उसमें भी कोई होस्ट ऐसा नहीं सोचता जो वकार सोच रहे होते हैं।